For more technology reviews and unboxing videos, please subscribe our channel. It's free. 2019 के सबसे best smartphone की बात करें और इसमें Galaxy A70 का नाम ना आए ये मुमकिन नहीं हो सकता। इसी वजह से आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहे हैं Samsung A70 की, जो कि है 128GB और 6GB RAM के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये मोबाइल और बहुत ज़बरदस्त आज की वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मैंने कहाँ से परचेज़ किया। देख सकते हैं आप हमारे सामने भाई खड़े, इनसे हमने मोबाइल लिया है, इनका थोड़ा तारफ भी करवा लेते हैं आपको। सो भाई अपना नाम वगैरह बताएं, अपनी शॉप के बारे में बताएं थोड़ा सा। मेरा नाम मोहम्मद आदिल हफीज़ है, मेन गुलबर्ग रोड पे मेरी मोबाइल की शॉप है सेल पॉइंट के नेम से। ये भाई को मैंने A70 मोबाइल सेल किया है, 6GB रैम है, 128GB इसकी विंटेज मेमोरी दी हुई है और सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी और शानदार डिस्प्ले में ये फ़ोन कहनी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी शॉप पे इंशाल्लाह ज़रूर चक्कर लगाएं, आपको इंशाल्लाह बेनिफिट मिलेगा और वैराइटीज मोबाइल की और मोबाइल की वैराइटी मिलेगी। और मैं इस बात की उम्मीद करूंगा अगर व्यूज़ हमारे नाम से आते हैं यानी स्मार्ट रिव्यूज़ के थ्रू आते हैं तो आप उनको खुसूसी डिस्काउंट ज़रूर देंगे। जी बिल्कुल। मैंने इस फ़ोन का टेस्ट डिफरेंट जगहों पर किया है। मैं ट्रैवलिंग पे गया उस फ़ोन को लेकर, इसकी मैंने बैटरी टाइमिंग देखी है फुल, मैंने इसके ऊपर फुल लोड तकरीबन 70GB के करीब मैंने इसके ऊपर लोड डाल के देखा है कि ये कैसी परफॉर्मेंस देता है। और इसके अलावा बहुत सारी हैवी गेम्स जो कि आजकल चल रही हैं, पबजी मोबाइल और उसके अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वर्जन जो आया न्यू, वो भी हम इसके ऊपर रन करके देखेंगे और उसका भी एक्सपीरियंस लेंगे कि उसके ऊपर हमें क्या रिस्पॉन्स देता है ये। और उसके अलावा जो इसकी एडिटिंग है उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा और कैमरे के ऊपर तो खसूसी तौर पर हम बात करेंगे क्योंकि मैंने बेसिकली कैमरे की वजह से मैंने इस मोबाइल को परचेज़ किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका जो कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट है और 32 का ही बैक है। और उसके अलावा जो मुझे इस फ़ोन में सबसे कम डिफरेंस देखने को मिला था वो है नॉइज़ का, क्योंकि 720p पे आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ देखने को मिलेगी लो लाइट के अंदर, और अगर आप सनलाइट के अंदर हैं तो आपको नॉइस वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। जब मैंने इसको परचेज़ किया है तो मेरे दिल में ये ख्याल था कि यार इतना महंगा ये मोबाइल है और उसमें स्टडी मोड नहीं है, जो कि एक अच्छी बात नहीं थी। इसमें स्टडी मोड ज़रूर होना चाहिए था। फिर जब मैं इसका एक्सपीरियंस किया और जब मैंने इसका कैमरे को ओपन किया और अपडेट की अपडेट करने के बाद मैंने देखा कि सुपर स्टडी का जो था इसके अंदर फीचर वो अपडेट हो चुका था और इसके अंदर आपको अब 720p के ऊपर सुपर स्टडी स्लो मोशन जो है वो मिलेगा।
बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो वो है 4500 mAh की, जो कि फास्ट चार्जर के साथ है। और फास्ट चार्जर का इसका एक्सपीरियंस मेरे से काफ़ी अच्छा रहा है मेरे साथ। मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से इसकी मेरे पास जो है बैटरी वो 10 से कम ही रहती है, 10% ही रहती है, तकरीबन 10-20-30 के अराउंड अबाउट रहती है। तो मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है इस वजह से। और अगर आप इसको लगाते हैं 10% पर, तो आपको ये 15 मिनट के अंदर आपके 35% तक बैटरी चली जाती है बासानी के साथ, 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है इसके अंदर। अगर आप इसको लेके जाते हैं अपने साथ ट्रैवलिंग में, तो आपको क्या क्या मसले इस फ़ोन के साथ हो सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं इसको डिफरेंट सिटीज़ में लेके गया हूँ, एमरजेंसी में आपको कहीं जाना पड़ गया और आपके पास जो बैटरी है इसके अंदर वो 50% है, और अगर आप रास्ते में 2 घंटे का आपका सफ़र है और आप लगातार यूट्यूब देख रहे हैं, सॉन्ग वगैरह सुन रहे हैं, तो इसकी बैटरी 2 घंटे के अंदर अंदर तकरीबन 30% से 40% के करीब गिर जाती है। अगर कंटिन्यूसली आप इसके ऊपर वर्किंग करें, कभी कैमरा चला रहे हैं, कभी आप अगर इसके ऊपर यूट्यूब चला रहे हैं ट्रैवलिंग के दौरान, तो इसके 30-40% बैटरी ख़त्म हो जाएगी इसी दौरान। तो बाकी ट्रैवलिंग में आप अगर वीडियो शूट करते हैं तो काफ़ी स्मूथ वीडियो आपको देगा ये, और मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूंगा कि इसके साथ अगर आप एक पावर बैंक लेकर जाएं तो बहुत ही आपका दिन अच्छा गुजरेगा। इसके अलावा अगर आप ट्रैवलिंग में शूटिंग वगैरह नहीं करते और बस यूजुअल यूज़ करते हैं, तो आपका ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा कि आप इसको आसानी के साथ पूरा दिन, 1-1.5 दिन के तक इसकी बैटरी जो है वो अब आसानी से गुजर जाएगी। एक और मसला जो सबसे ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है वो थंब स्कैनर है इसका, वो अच्छे तरीके से वर्किंग काफ़ी दफ़ा नहीं करता। जब आपके हाथ पे पसीने वगैरह आया हो और आपका हाथ में या कोई ऑयली चीज़ लगी है, तो उसमें डेफिनेटली वर्किंग ठीक तरीके से नहीं करता। उसके अलावा फेस अनलॉक है, काफ़ी दफ़ा ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्किंग करता है और काफ़ी दफ़ा फेस अनलॉक भी अच्छे तरीके से वर्किंग नहीं करता। तो मैंने इसको डिफरेंट सिनेरियो पे इसको टेस्ट किया है, यानी रात के टाइम जब आप सो रहे होते हैं और अचानक आपको मोबाइल पर कोई चीज़ ऑन करनी होती है, तो आप अंधेरे में भी जब इसका फेस अनलॉक करेंगे तो ये आसानी से आपको रिकॉग्नाइज करके और आपका फेस जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेगा और लॉक ओपन हो जाएगा। इसी तरह जो इसका थंब है, अगर आप थंब लगाएंगे तो थंब में आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, 2-3 दफ़ा अगर आप कोशिश करें तो फिर जाकर एक्यूरेट लगता है थंब। ये काफ़ी कम दफ़ा होता है कि आप एक्यूरेट लगाएं थंब और साथ ही ये ओपन हो जाए, आपको 2-3 दफ़ा ऊपर टच करना पड़ता है तो फिर ये ओपन होता है। मैं इसको आपको कवर उतार के दिखा देता हूँ। तो कवर में जो इसके साथ मिलता है ये वाइट कलर का है, ये वही कवर है। तो इसको मैं उतार रहा हूँ तो आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी शाइन वाली लुक इसकी जो है वो नज़र आ रही है, और काफ़ी कलर इसमें जो है वो इस टाइम बन रहे हैं। तो इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इसके हैंड होल्डिंग की, तो काफ़ी अच्छा ये फील देता है। इस मोबाइल के ऊपर मैंने जब परचेज़ किया उसके 2 दिन बाद ही मैंने इसके ऊपर तकरीबन 40 से 50 GB का डाटा अपलोड किया इसकी स्पीड चेक करने के लिए, और इसने काफ़ी हैरानकुन रिज़ल्ट दिए। काफ़ी दफ़ा ये स्लो हो गया, काफ़ी दफ़ा सही चला। यानी मसला ये आ रहा था कि जब मैं इसका ये लॉक वाला बटन ओपन करता था तो ये सही तरीके से मुझे रिस्पॉन्स नहीं देता था, बट ये मसला भी ख़त्म हो गया जब मैंने इसकी अपडेट की और इसको एक दफ़ा दोबारा रिस्टार्ट किया। डेफिनेटली जब मैंने 20 GB की फाइल इसके ऊपर अपलोड की और उसके बाद फिर 20-30 GB की फाइल इसके ऊपर अपलोड की, तो ये इसके ऊपर काफ़ी, इसका प्रोसेसर भी गर्म हो चुका था और ये काफ़ी स्लो वर्किंग स्टार्ट कर दी थी इसने करनी। तो इतना ज़्यादा डाटा डालने का मकसद यही था कि इसको परफॉर्मेंस इसकी चेक करना, और इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। 1-2 दफ़ा इसने तंग किया है, वो भी रीस्टार्ट करने के बाद इसने परफॉर्मेंस इसकी फिर से उसी तरह हो गई थी जिस तरह के पहले थी। तो फिर मैंने उसमें से जितना भी डाटा अपलोड किया था उसको 1-2 दिन यूज़ किया और इसका फुल एक्सपीरियंस लिया। तकरीबन तब के टाइम में इसके अंदर 80 GB का डाटा मैंने अपलोड किया है और उसको डिफरेंट यूज़ किया। उसमें सॉफ्टवेयर थे, उसमें वीडियोस थी, उसमें इमेजेस थी, उसमें और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैंने इसके ऊपर अपलोड की। परफॉर्मेंस में जो मुझे खामी नज़र आई वो इसके बैक में थी, जो कि काफ़ी गर्म हो जाती है। इसकी बैक अगर आप चार्जिंग के ऊपर लगाते हैं तो तब भी गर्म हो जाती है, अगर आप ज़्यादा गेमिंग इसके साथ खेलते हैं तो ये काफ़ी फिर भी गर्म हो जाता है मोबाइल।
तो ओवरऑल इसकी बात करूं तो ये काफ़ी अच्छा लुक देता है आपको, और प्रीमियम लुक सारी बात है, अगर आप इतने पैसे खर्च रहे हैं तो आपको प्रीमियम लुक भी मिलेगा इसके अंदर। ऊपर मैं बात कर लेता हूं अब, तो इसके साथ हमें मिलता है बॉक्स के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूं एक दफ़ा ओपन करके सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने आपको पहले इसकी अनबॉक्सिंग दिखा चुका हूँ, कहाँ से जहाँ से मैंने परचेज़ किया है वहाँ से आपने इसकी अनबॉक्सिंग देखी है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। इसकी सबसे पहले मैं बात करता हूँ अब हैंड फ्री के ऊपर, तो हैंड फ्री मुझे इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी है, साउंड क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन मुझे जो सबसे बुरी चीज़ इसकी लगी है वो ये चीज़ है, यानी कि ये जो ऊपर से ये लगे हुए हैं इस तरह करके, तो ये जब आप इसको अपने कानों में लगाएंगे तो ये टिकते नहीं हैं, ये गिर जाते हैं बार बार, अगर आप बाइक चला रहे हैं और अगर इसको हैंड फ्री को यूज़ कर रहे हैं तो ये नीचे गिर जाते हैं, और उसके अलावा जब आप करवट लेते हैं या अपने सर को ज़ोर से हिलाते हैं तो फिर भी ये नीचे गिर जाते हैं, तो ये काफ़ी इसका डिफेक्ट है कि इसके जो साथ हैंड फ्री मिली है वो क्वालिटी वाइज ठीक है, उसकी साउंड भी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन इसके अंदर जो इसका मॉडल है और इसका डिज़ाइन है वो फिज़िकली मुझे पसंद नहीं आया, तो ये परेशानी आपको मिल सकती है इसके अंदर, इसको भी ज़रा ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा इसके साथ हमें मिला है चार्जर, चार्जर इसका बहुत ही कमाल का है, 25 एम्पीयर का चार्जर है ये, और फास्ट चार्जर करता है, दोनों तरफ से सी है इसका, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से चार्जिंग करता है, और अगर आप इसको ऑन करके भी रखते हैं तो फिर भी ये गर्म ज़्यादा नहीं होता, यानी स्विच को ऑन करके रखते हैं और मोबाइल उतार कर आप ले जाते हैं और स्विच आपका ऑन रह जाता है तो ये गर्म नहीं होता है, ये काफ़ी अच्छी हैवी है इसका, बिल्कुल भी हल्की क्वालिटी में नहीं है। उसके अलावा जो इसके साथ हमें कवर मिला है, मैं उसकी भी बात आप कर लेता हूँ कि कवर देखें, मैंने इसको यूज़ करते हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ, 15 से 20 दिन हुए हैं तकरीबन, और इसका जो कवर है बैक कवर वो तकरीबन अपना रंग छोड़ना शुरू हो गया है, पहले ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाइट कलर का था, अभी इसमें कुछ वो आ गए हैं कलर वगैरह, और काफ़ी अच्छा डिस्प्ले इसका नज़र आता है, लेकिन अगर आपने इसके ऊपर ग्लास प्रोटेक्टर नहीं लगवाया तो ये आपको काफ़ी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी अभी तक इसके ऊपर ग्लास प्रोटेक्टर जो है वो नहीं लगवाया, तो काफ़ी एहतियात के साथ आपको चलाना पड़ेगा, एक दफ़ा आप 7D या 5D जो भी ग्लास प्रोटेक्टर आपको पसंद है वो इसके ऊपर लगवाएं पहले, फिर इसको यूज़ करना स्टार्ट करिएगा, नहीं तो ये इसका जो है वो सेंसिटिव बहुत ही ज़्यादा है। उसके अलावा इसके अंदर जो फीचर मिलता है, आप स्क्रॉल करके जो ओपन करते हैं ऑफ़ करते हैं तो वो बिल्कुल भी यूज़ ना कीजिएगा, हो सकता है कि आपके नाखून आपके बड़े हैं और आप ज़ोर से इसको करें तो उस जगह पर खराश आ सकती है, तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो काफ़ी एहतियात के साथ उसके बाद से मैंने वो नेविगेशन यूज़ नहीं की, अब मैं ये जो बार है नेविगेशन बार जो अपेयर रहती है वो यूज़ करता हूँ, तो जो हाइड हो जाती है आपको भी रिकमेंड करूँगा कि वो आप हरगिज़ ना यूज़ कीजिएगा, उसके साथ आपके निशान आ सकते हैं, हाँ जब आप इसके ऊपर टेम्पर वगैरह लगवा लें अच्छे ग्लास का तो फिर आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा जब आप इसको न्यू परचेज़ करते हैं तो इसकी बैक साइड पर आप वो जो जेल टाइप लगा के देते हैं वो भी आप लगवा सकते हैं, तो उससे काफ़ी इसकी जो लाइफ है शेल्फ लाइफ वो काफ़ी बढ़ जाती है, स्क्रैचेज आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते, तो इसकी वीडियो क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, लो लाइट के अंदर अगर आप इसकी वीडियो क्वालिटी के ऊपर चलते हैं तो ये आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देने वाली नहीं है, हाँ जब इसका जो फीचर है 4K वाला अगर आप उसके ऊपर बात करेंगे और उसके ऊपर लो लाइट के ऊपर भी अगर आप उसके ऊपर शूट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा इसमें जो है वो मिलेगा, आपको रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छी मिलेगी कैमरे में, और जो इसका सुपर स्लो मोशन है 960 फ्रेम पर तो वो भी काफ़ी अच्छा है, तो इसकी डिटेल कैमरे की और इमेजेस की वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम लेकर आऊँगा आपके साथ और आपके साथ डिटेल में बात करूँगा, अभी सिर्फ इसकी अनबॉक्सिंग और इसके जो मुझे यूज़ करते हुए मुझे परेशानियाँ आई हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कौन कौन सी थी, और काफ़ी मैंने कवर कर ली हैं, कुछ जो रह जाएगी वो मैं कमेंट में भी आपको बता सकता हूँ, तो प्राइस की भी मैं बात करता हूँ अब इसकी, तो प्राइस में जो मिली है पाकिस्तान में इसकी वो 62,000 रुपीज़ है, और अब आप लेंगे तो काफ़ी कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, तो जो करंट इसका रेट था वो 62,000 रुपीज़ में मैंने इसको बिल्कुल पैक में लिया है, तो आप भी इसको परचेज़ कर सकते हैं, ओवरऑल मोबाइल है वो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आपको मिलेगा।
उसके अलावा इसके डिफरेंट फीचर्स के ऊपर भी मैं आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसके जो फीचर्स जो न्यू हैं, जो डिफरेंट है, दूसरे मोबाइल से डिफरेंट है, उसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। और इसके अलावा जो यूसेज है इसका, वो भी मैं आपके सामने डिटेल वीडियो में लेकर आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट इसकी मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा अपने चैनल के ऊपर, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और विज़िट कीजिएगा हमारे चैनल के ऊपर। बहुत सारी वीडियोस ये 70 के ऊपर मैं लेकर आ रहा हूँ, तो इसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मतलब, इसके वीडियो शूट के मतलब, इसके जो है फ़ोटो शूट के मतलब, और बहुत सारी अपडेट इसका कंपेरिजन डिफरेंट मोबाइल्स के साथ, तो इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल के आइकॉन को दबाकर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर बन सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हमारे गिवअवे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे चुका हूँ, आप वहाँ पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट smartreviews.net पर जाएंगे, वहाँ पर एक फॉर्म है आपको वो फिल करना होगा, तो आप वो फॉर्म फिल करके आप हमारे परमानेंट सब्सक्राइबर बन जाएंगे और हो सकता है कि नेक्स्ट जो हमारा गिवअवे में उसके ऊपर आपका नाम आ जाए। उसके अलावा जो भी हमारा गिवअवे में मैं प्लान करता हूँ, तो मैं पहले एक वीडियो अपलोड करता हूँ, आपको गिवअवे में बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।